नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लेके ऑनलाइन पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के लिए बेसिक ऑफ कंप्यूटर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैयारी के लिए हमने पिछले दिनों पर एक वीडियो अपलोड किया था बेसिक ऑफ कंप्यूटर पर, और बेसिक ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत जो भी चीज़ें आई थी उसके बारे में हमने एक्सप्लेन किया था, और आप लोगों को एक PDF प्रोवाइड किया था जो कि वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में था। और हमने आप लोगों से कहा था कि इस PDF को आप लोग डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद हम आप लोगों से क्वेश्चंस पूछेंगे। वो क्वेश्चंस MCQ होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा, जो कि आप लोगों के एग्जाम के बेस पर होगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, वो क्वेश्चंस हम लेकर आ चुके हैं। टोटल 25 वो क्वेश्चंस है, 25 क्वेश्चंस होंगे और हम आप लोगों से पूछेंगे उन क्वेश्चंस को, और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका जवाब देना है। मैं पहला क्वेश्चंस पूछूंगा, उसके बाद 5 या 6 सेकंड तक रुक जाऊंगा, उसके बाद आप लोगों को क्या करना, आप लोगों को जवाब देना होगा फ्रेंड्स। और मैं आपको बता दूं कि हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम लाइव आकर आप लोगों से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का आंसर पूछेंगे, लेकिन फ्रेंड्स प्रॉब्लम ये हुई कि हम जहां पर हैं वहां पर नेट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, और लाइव आने के लिए हाई नेट चाहिए, और वो नेट क्या है कि यहाँ पर हाई हो ही नहीं पा रहा है और हम लाइव आ ही नहीं पा रहे। मैंने कल से कोशिश कर रहा था और सोच रहा था कि कल रात 8 बजे मैं लाइव आके आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लूँ, लेकिन मैं लाइव नहीं आ सका, इसलिए वीडियो को रिकॉर्ड करके आप लोगों को वो क्वेश्चन दे रहे हैं फ्रेंड्स। और उससे पहले हम आपको बता दें कि जिन लोगों ने अभी तक हमारी पहली क्लास डाटा एंट्री ऑपरेटर की बेसिक ऑफ कंप्यूटर नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं फ्रेंड्स। वहां पर हमने सारी की सारी जो बेसिक ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत जो सिलेबस आता है उसको, जो चैप्टर आते हैं उसको हमने क्लियर कर दिया है, और बहुत ही आसान भाषा में समझाया जो कि वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, और उसका PDF भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप लोग जाकर वो PDF डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। वहाँ पर हमने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद इनपुट आउटपुट, और उसके बाद मेमोरी, और फिर आपका कंप्यूटर लैंग्वेज, और फिर उसके बाद आता है आपका इंटरप्रेटर और असेंबली और सॉफ्टवेयर, और ये सॉफ्टवेयर भी आता है फ्रेंड्स। ये सब वहाँ पर क्लियर कर दिया, आप लोग जाइए अच्छे से पढ़िए, बहुत ही बेटर क्लास है। जी हाँ फ्रेंड्स, आधे घंटे की क्लास है, और आप लोग क्लास को जैसे देखेंगे आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे वीडियो में, और आपको वो जानकारी अच्छी लगेगी आई होप। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों को दिखाते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ। बहुत ही कम समय है डाटा एंट्री ऑपरेटर के एग्जाम के लिए, तो सबके पास ये वीडियो पहुंच जाए और सब लोग इस वीडियो को देख सके, और उसके बाद आप लोग लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, एक लाइक तो बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सारी की सारी जानकारी देते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हैं, हमारे द्वारा PDF क्रिएट किया गया और हम पहले क्वेश्चन पर यहां पर आ चुके हैं। जैसे दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, आप लोगों की स्क्रीन पर यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, और आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर पूछा जा रहा है आप लोगों से कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज्ड टू इनपुट प्रिंटेड टेस्ट। आप लोग देख पा रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस, वो कौन सी डिवाइस है कैन बी यूज्ड टू प्रिंटेड टेस्ट, जिससे हम इनपुट प्रिंटेड टेस्ट, यानी कि जो इनपुट प्रिंटेड टेस्ट होता है, वर्ड होता है, उसको हम प्रिंट कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर किससे रीड कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया गया है, OCR ऑप्टिकल कोड रीडर, उसके बाद OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, और उसके बाद MICR दिया गया है, और ऑल ऑफ द एबव दिया गया है। तो आप लोग अपना जल्दी से दिमाग लगाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज्ड टू इनपुट प्रिंटेड टेस्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, ये इनपुट और आउटपुट से क्वेश्चंस निकल कर आया हुआ है, अगर आपने इनपुट और आउटपुट का क्लास ली होगी तो आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को 5 सेकंड दिए जाते हैं, आप लोग जरूर से जल्दी सोचिए और उसके बाद कमेंट करके बताइए हमें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आप लोगों को बता देते हैं कि इसका आंसर क्या होगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू इनपुट प्रिंटेड टेस्ट। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स OCR। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्टिकल कोड रीडर, ये होगा OCR। ठीक, ये इनपुट और प्रिंटेड टेस्ट के लिए होता है, पढ़ने के लिए होता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, सारे के सारे स्कैनर हैं, कोड स्कैनर हैं, जिनको स्कैन करके पढ़ा जाता है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए अब दूसरे क्वेश्चंस के ओर बढ़ते हैं, और आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया गया है कि CPU रीड्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो CPU होता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, यानी कि आप लोगों का जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, रीड्स द इंफॉर्मेशन पढ़ता
करता है, यानी कि डाटा को एक्सेस करता है फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी से करता है, तो इसका ऑप्शन दिया गया है डायरेक्टली करता है फ्रेंड्स, या फिर आप लोग देख पा रहे हैं दूसरा यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन टू ट्रांसफर टू द मेन मेमोरी एंड फ्रॉम देयर द सीपीयू रीड्स इज, या फिर थ्रॉट रजिस्टर, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया गया है थ्रॉट रजिस्टर के माध्यम से या नन ऑफ द एबव, तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन दे दिया गया है। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सीपीयू रीड्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी, क्या सीपीयू इंफॉर्मेशन सेकेंडरी मेमोरी से कैसे लेता है, डायरेक्टली लेता है या फिर फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर टू द मेन मेमोरी, मेन मेमोरी को डाटा ट्रांसफर किया जाता है, या फिर उसके बाद फ्रॉम देयर द सीपीयू रीड से उसके बाद सीपीयू पढ़ता है, या फिर थ्रॉट रजिस्टर से आप लोग देख पा रहे हैं रजिस्टर के माध्यम से या नन ऑफ द एबव, इनमें से कौन सा आंसर सही है। मैं दूसरा आंसर आप लोगों से पूछ रहा हूँ, सीपीयू रीड्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी, जल्दी से आप लोग आंसर देकर बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से आंसर दीजिए, आप लोगों की प्रेस्टिक हो जाएगी, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। चलिए आपको 5 सेकेंड फिर से दिया जाता है, तो चलिए फ्रेंड्स हम इसका आंसर बता देते हैं कि सीपीयू रीड्स इंफॉर्मेशन सेकेंडरी मेमोरी, तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा वी, वी राइट आंसर है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर वी होगा कि सीपीयू क्या करता है, पहले फर्स्ट इंफॉर्मेशन है ट्रांसफर टू द मेन मेमोरी, मेन मेमोरी में जो इंफॉर्मेशन होती है, जो डाटा होता है उसको ट्रांसफर कर देता है, उसके बाद फ्रॉम देयर द सीपीयू रीड्स और उसके बाद सीपीयू पढ़ता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया गया सीपीयू रीड्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी, तो नहीं, सेकेंडरी मेमोरी से डाटा जो सीपीयू लेता है पढ़ता है तो डायरेक्टली नहीं होता है, पहले वो मेन मेमोरी को ट्रांसफर कर देता है, उसके बाद वो डाटा को रीड करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो कंट्रोल यूनिट उसको कंट्रोल करके रखता है और साथ में जो मेमोरी यूनिट होता है उसको होल्ड करके रखता है। तो आप लोगों को हमने सीपीयू के चैप्टर में इसको बताया था, अच्छे से समझाया था। चलिए अब आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर उठता है, तीसरा क्वेश्चन है कि एडिट सबट्रैक्ट और यहाँ पर देख पा रहे हैं डिवाइड और मल्टीपल एंड लॉजिकल ऑपरेशन आर परफॉर्मड बाय, थोड़ा जूम कर देते हैं, तो आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है कि एडिट सबट्रैक्ट डिवाइड मल्टीपल एंड लॉजिकल ऑपरेशन आर परफॉर्मड बाय, तो आप लोगों को पता होगा एडिट यानी कि जो जोड़ सबट्रैक्ट घटाना डिवाइड भाग मल्टीपल एंड जो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं किसके द्वारा परफॉर्मेंस किए जाते हैं, किसके द्वारा किए जाते हैं। आप लोगों के पास यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है नंबर एक रजिस्टर, और यहाँ पर बी के नंबर पे ऑप्शन दिया गया कंट्रोल यूनिट, फिर एलयू यानी अर्थ लॉजिक यूनिट या नन ऑफ द दीज, तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन आप लोगों के दे दिए हैं, अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा होगा तो आप लोगों को आसानी से पता होगा। चलिए फिर से आपको 5 सेकंड दिए जाते हैं और आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि एडिट सबट्रैक्ट डिवाइड मल्टीपल एंड लॉजिकल ऑपरेशन आर परफॉर्मड बाय, किसके द्वारा परफॉर्मेंस किए जाते हैं, सारे के सारे ऑपरेशन किसके द्वारा किए जाते हैं, तो 5 सेकंड आपको दिए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इसका आंसर बता देता हूँ, ये एलयू के द्वारा किया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही है, ये एलयू के द्वारा होता है। जब कोई भी डाटा हम इनपुट डिवाइस के माध्यम से इनपुट कराते हैं तो उसके बाद वो जो क्या है कि डाटा होता है वो मेमोरी यूनिट में होल्ड होके होता है और कंट्रोल यूनिट उसे कंट्रोल करता है, और साथ में जो ऑपरेशंस होते हैं जो कि लॉजिकल और अर्थमेटिकल जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो एलयू के अंदर होता है, अर्थ लॉजिक यूनिट के अंदर होता है, तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो एलयू होगा। अब चलिए आप लोगों से चौथा क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि मेन मेमोरी स्टोरेज, तो आप लोग देख पा रहे हैं इसी तरह आप लोगों का सेम क्वेश्चन डाटा एंट्री ऑपरेटर में भी आएगा, तो यहाँ पर दिया गया मेन मेमोरी स्टोरेज, तो मेन मेमोरी स्टोर्स करती है, क्या स्टोर करती है, चलिए ऑप्शन देखते हैं इसका, तो ऑप्शन आप लोगों को नीचे मिल जाएगा, आप लोग देख पा रहे हैं डाटा ओनली प्रोग्राम ओनली या डाटा प्रोग्राम एंड रिजल्ट आर एनी अदर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन या नन ऑफ द दीज, तो जी हाँ फ्रेंड्स चौथा क्वेश्चन है कि मेन मेमोरी स्टोर्स, तो मेन मेमोरी क्या क्या स्टोर करती है, क्या केवल डाटा स्टोर करती है या प्रोग्राम ओनली केवल प्रोग्राम स्टोर करती है, या फिर सी ऑप्शन जो दिया गया है डाटा प्रोग्राम एंड रिजल्ट आर एनी अदर
काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, सी सी वाला यहाँ पर राइट है कि डाटा भी स्टोर करती है प्रोग्राम एंड रिजल्ट आर एनी अदर इंफॉर्मेशन काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन होल्ड करके रखती है। अनाब अब इनमें से कौन सा सही है, आप लोग जल्दी से आंसर देकर बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए जल्दी से। मैं यहाँ पर आंसर को थोड़ा जूम कर देता हूँ कि मेमोरी क्या स्टोर करती है, केवल डाटा करती है, प्रोग्राम करती है, डाटा प्रोग्राम एंड रिजल्ट आर एनी अदर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखती है। तो आप लोग भी इसका आंसर देकर बताइए। तो फ्रेंड्स चलिए आप लोगों को 5 सेकंड दिए जाते हैं, तो हम आपको बता दें फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा डाटा इन प्रोग्राम एंड रिजल्ट्स आर एनी अदर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि मेमोरी जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं, जो भी प्रोग्राम दिए जाते हैं, वो सारा का सारा स्टोरेज स्टोर करके रखती है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा जैसे कि मान के चलिए आपका मोबाइल फ़ोन है और जो भी वहाँ पर आप लोग किसी से कॉल करके बात करते हैं या इमेजेस देखते हैं या फिर इमेजेस कैमरे से लेकर रखते हैं या वीडियोज़ रखते हैं, तो सारा का सारा मेमोरी स्टोर करके रखता है, चाहे वो फ़ोन की स्टोरेज मेमोरी है या फिर आपकी फ़ोन में लगाई गई SD कार्ड हो। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इसी तरह कंप्यूटर का होता है, यहाँ पर सब कुछ मेमोरी ही होल्ड करके रखती है। तो इसका राइट आंसर होगा डाटा प्रोग्राम एंड रिजल्ट ऑफ एनी अदर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करके कमेंट करके बताइएगा, और क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर 5वें नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर दिया गया है कि ए स्मार्ट टर्मिनल इज वन व्हिच, तो एक टर्मिनल को स्मार्ट कौन बनाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि ए स्मार्ट टर्मिनल इज वन व्हिच, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी टर्मिनल को स्मार्ट बनाती है। तो ऑप्शन दिया गया, ए दिया गया लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, देखने में बहुत अच्छा हो तो उसे स्मार्ट टर्मिनल्स कहते हैं, या फिर हैज़ इन बिल्ट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, यानी कि जिसके पास प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी अधिक हो उसे अच्छा कहते हैं, या मस्ट कन्वर्ट इनपुट आर CRT स्कीन, या फिर जो मस्ट कन्वर्ट इनपुट और CRT स्कीन करता हो, यानी कि जो कन्वर्ट करता हो इनपुट या CRT स्कीन, यानी कि जो CRT स्क्रीन का हो, या फिर नन ऑफ द एबव्स, या इनमें से कोई नहीं है। तो आप लोग ऑप्शन जरूर चूज कीजिए, वन ए ओ बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइए कि ए स्मार्ट टर्मिनल इज व्हिच, यानी कि एक स्मार्ट टर्मिनल किसके द्वारा बनता है। तो चलिए आपको 5 सेकंड यहाँ पर दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ कि ए स्मार्ट टर्मिनल इज वन व्हिच, उसका राइट आंसर है यहाँ पर बी। जी हाँ फ्रेंड्स, हैज़ इन बिल्ट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, तो जिसकी प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटी अधिक होती है, जो परफॉर्मेंस होता है जिसका अधिक होता है, उसे हम यहाँ पर स्मार्ट टर्मिनल कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि प्रोसेसर के ऊपर जैसे कि हम लोग मोबाइल फ़ोन्स वगैरह बाई करते हैं कि इसका प्रोसेसर अच्छा है, ये इतने स्टोरेज का है इसका, तो वो जो रैम और स्टोरेज देखकर हम लोग फ़ोन लेते हैं, तो वो एक परफॉर्मेंस होता है उसका, प्रोसेसिंग होता है, वो स्मार्ट उसे ही टर्मिनल को स्मार्ट बनाता है। ये नहीं कि लुक वेरी अट्रैक्टिव, देखने में अच्छा हो तो वो स्मार्ट हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कहावतें कही जाती है कि जिसकी शक्ल अच्छी होती है वो दिल उसका अच्छा होता है या नहीं होता है, तो इसके हिसाब से जो हम लोग जज करते हैं इंसानों को, इसी तरह यहाँ पर कंप्यूटर को भी जज किया जाता है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बी होगा, ठीक बी होगा, किसी के शक्ल सूरत पे नहीं जाते हैं, उसके परफॉर्मेंस पे जाते हैं, उसकी क्या है कि जो टैलेंट होता है उस पर हम जाते हैं। तो यहाँ पर ए स्मार्ट टर्मिनल जो वन आज ह्यूज का ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हुए छठा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। छठा क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ए लेजर प्रिंटर यूजेज, जो एक लेजर प्रिंटर होता है वो यूजेस होता है फोटो सेंसिटिव ड्रम में, या कैमरा लेंस में, या हीट सेंसिटिव पेपर में, या नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। हमने यहाँ पर क्वेश्चंस को जूम करके रख दिया है कि ए लेज़र प्रिंटर यूजेज फोटो सेंसिटिव ड्रम, या कैमरा लेंस, या हीट सेंसिटिव पेपर, या नन ऑफ द दीज। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रिंटर के बारे में तो आप लोगों को ये पता होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ए बी सी या डी। आप लोग को 5 सेकंड दिए जाते हैं यहाँ पे।
तो फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं, इसका राइट आंसर होगा ए, फोटोसेंसिटिव ड्रम। जी हाँ फ्रेंड्स, ए लेटर जो ए लेजर प्रिंटर यूजेस होता है फोटोसेंसिटिव ड्रम के माध्यम से, आप लोगों का यहाँ पर राइट आंसर ए दिया गया है। अगर अभी तक आप लोगों ने प्रिंटर का क्लास नहीं लिया, प्रिंटर का क्लास ले लीजिए और साथ में प्रिंटर के बारे में पढ़ लीजिए, और वहाँ पर जाकर लेजर प्रिंटर के बारे में ज़रूर पढ़िए। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ये कॉमन क्वेश्चंस होते हैं कंप्यूटर के। अब बात कर लेते हैं सातवें नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर दिया गया है ए पॉइंटर इज। पॉइंटर क्या है, यानी कि एन इनपुट डिवाइस टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी ग्राफिक्स। क्या पॉइंटर एक इनपुट डिवाइस है और जो कि हमें एक अच्छी क्वालिटी ग्राफिक्स का एक अच्छी क्वालिटी देती है, या फिर बी नंबर पर कहा गया है कि एन इनपुट डिवाइस, ये आउटपुट डिवाइस, माफ़ कीजिए, एन आउटपुट डिवाइस टू प्रोड्यूस ड्राइविंग्स एंड ग्राफिक्स। तो यहाँ पर ये आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें प्रोड्यूस करती है ड्राइविंग्स और यहाँ पर ग्राफिक्स प्रोड्यूस करती है। तो ग्राफिक क्या, आप लोगों को मल्टीमीडिया में मिल जाएगा, आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, वो पिछले वाले चैप्टर में है जो हमने पिछले वाले बेसिक आप कंप्यूटर क्लास ली है। 80 नंबर पे यहाँ पर दिया गया ए फास्ट आउटपुट डिवाइस यूजिंग कैमरा लेंस या नन ऑफ द दिस। तो यहाँ पर ए प्लॉटर इज कौन सी डिवाइस है, अगर आप लोगों को यहाँ पर यही पता होगा कि प्लॉटर कौन सी डिवाइस है, तभी आप लोग यहाँ पर आंसर फटाफट गैस कर लेंगे। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से आप लोग आंसर को गैस कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपको 5 सेकेंड यहाँ पर दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स हम आपको इसका आंसर बता देते हैं कि ए प्लॉटर इज जो है, प्लॉटर होता है, ये होता है आउटपुट डिवाइस होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको ये भी पता होगा कि ये कौन सी डिवाइस है, तो आप लोग आंसर इसका गेस कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर बी होगा, एन आउटपुट डिवाइस टू प्रोड्यूस ड्राइविंग एंड ग्राफिक्स। जी हाँ फ्रेंड्स, 1.7 यानी कि सातवें नंबर का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आठवें नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं दिया गया है इन ए हार्ड डिस्क द जीरो ट्रैक इज। तो जो हार्ड डिस्क होता है उसमें जीरो ट्रैक है, द आउटमोस्ट, आउटर मोस्ट, द इनर मोस्ट, या टोटली मशीनी डिपेंडेड, या नन ऑफ द दिस। इनमें से कौन सा राइट आंसर है, ऑप्शन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि इन ए हार्ड डिस्क द जीरो ट्रैक्स इज। राइट आंसर जो भी होगा आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, द आउटर मोस्ट, द इनर मोस्ट, टोटली मशीनी डिपेंडेड, नन ऑफ द दिस। तो फ्रेंड्स आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, आप लोगों को 5 सेकेंड यहाँ पर दिए जाते हैं। आठवें नंबर के क्वेश्चन में हम आप लोगों के पहुँच चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हम आप लोगों को बता देते हैं। इसका राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है ए। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है ए है, द आउटर मोस्ट। आप लोग जाकर एक बार जरूर से पढ़िएगा मेमोरी के चैप्टर में, वहाँ पर आप लोगों के मिल जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत ये हार्ड डिस्क आती है, तो आप लोग जरूर जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिलेगा द आउटर मोस्ट। अब उसके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं दिया गया लॉजिकल ऑपरेशन इज ए कंप्यूटर आर डन बाई। तो जो नाइन नंबर यानी नौवे नंबर का जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लॉजिकल ऑपरेशन इज ए कंप्यूटर आर डन बाई, तो जो लॉजिकल ऑपरेशन होता है वो कंप्यूटर के आर डन बाई किसके द्वारा किया जाता है, रजिस्टर, LU, कंट्रोल यूनिट, नन ऑफ द दीज। अब फिर से वही क्वेश्चन को यहाँ पर दोहराया गया, जैसे कि अभी हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था तो वो थोड़ा हटके था, लेकिन सेम यहाँ पर आंसर होने वाला। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए, अगर आपने अच्छे से वीडियो को देख रहा है, अगर आप वीडियो को स्किप नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट कीजिए कि लॉजिकल ऑपरेशन इज ए कंप्यूटर आर डन बाई किसके द्वारा कंप्यूटर में डन किया जाता है, LU के द्वारा, रजिस्टर के द्वारा, कंट्रोल यूनिट के द्वारा, नन ऑफ द दिस के द्वारा। चलिए आपको 5 सेकेंड दिए जाते हैं फिर से। तो यहाँ पर बता दें फ्रेंड्स, LU के द्वारा। जी हाँ फ्रेंड्स, चाहे वो लॉजिकल ऑपरेशन हो या अर्थमेटिक ऑपरेशन हो, कोई भी ऑपरेशन हो, LU के द्वारा ही किया जाता है, यानी अर्थ लॉजिक यूनिट के द्वारा ही किया जाता है। बाकी यहाँ पर कंट्रोल यूनिट होता है, वो केवल कंट्रोल करके रखता है और जैसे ही उचित डिसीजन पाता है वो सीधा फिर से मेमोरी को दे देता है और मेमोरी आउटपुट डिवाइस को यहाँ पर दे देती है, यानी रिजल्ट आउट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर केवल आप लोगों का जो भी ऑपरेशन होता है CPU में, वो LU में ही होता है। चलिए आप 10वें नंबर के क्वेश्चन पर पहुँचते हैं, और आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया गया है SCD ROM। जो CD ROM होती है, SCD ROM इज एन ऑप्टिकल ROM, एन मैग्नेटिक ROM, एन इरेजिबल ROM, या नन ऑफ द दिस। यानी कि एन ऑप्टिकल ROM होती है, या मैग्नेटिक ROM होती है, या एन इरेजिबल ROM होती है, यानी मिटाई भी जा सकती है। तो आप लोग राइट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर कौन सा है। 10वें नंबर का क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है, SCD ROM इज एन ऑप्टिकल ROM, एन मैग्नेटिक ROM, एन इरेजिबल ROM, नन ऑफ द दिस। जल्दी से आप लोग इसका राइट क्वेश्चन राइट आंसर दीजिए, आपको 5 सेकेंड यहाँ पर फिर से दिए जाते हैं।
तो हम आपको बता दें फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है एन ऑप्टिकल रोम। जी हाँ फ्रेंड्स, और आप लोगों को रोम का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, रैम का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, तो रीड ओनली मेमोरी होता है रोम का फुल फॉर्म। तो आप लोग मेमोरी का चैप्टर जाकर जरूर देखिए। अगर मेमोरी में आप लोगों को या इनपुट आउटपुट डिवाइस में कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, हम फिर से क्लास आप लोगों के लिए एक जारी कर देंगे बेसिक आप कंप्यूटर को लेकर, और वहाँ पर आप लोगों को मेमोरी की क्लास ले लेंगे। ठीक, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 11वें नंबर के क्वेश्चंस पे दिया गया कि सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस इज नो एज, यानी कि जो सॉफ्टवेयर है वो डिजाइन किया गया है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो वो कौन सा है? तो यहाँ पर हम आपको बता दें फ्रेंड्स, कुछ लोग स्पेसिफिक पढ़ेंगे और कुछ लोग सफिक्स पढ़ेंगे इसको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, या नंबर दो कंपाइलर, नंबर तीन यहाँ पर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज इज नो, क्या किस नाम से जानेंगे जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया स्पेसिफिक पर्पज के लिए? सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जानेंगे, या कंप्यूटर कंपाइलर के नाम से जानेंगे, माफ कीजिए, कंपाइलर या स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के नाम से, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है, यानी कि उसका सॉफ्टवेयर का पार्ट ही होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका राइट आंसर क्या है? आप लोगों को 5 सेकंड दिए जाते हैं। कल हमने आपको सॉफ्टवेयर के चैप्टर में बताया था, आप लोगों को 5 सेकंड दिए जाते हैं। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जी हाँ फ्रेंड, जो आप लोगों का सॉफ्टवेयर होता है वो आप लोगों का दो टाइप का होता है। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जी हाँ फ्रेंड्स, और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी दो टाइप का होता है। पहला होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होता है यहाँ पर क्या है कि यूटिलिटी प्रोग्राम। और उसके बाद फिर आप लोगों के जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उसके अंतर्गत जो हम लोग एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि एमएस वर्ड हुआ, स्प्रेडशीट हुई, पेंट हुआ, प्रेजेंटेशन हुई, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। कंपाइलर भी यहाँ पर यूटिलिटी प्रोग्राम के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वें नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं, यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर दिया गया बी अमेरिकन स्टैटिकल कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, या फिर यहाँ पर दिया गया सी अल्फाबेटिक सीरीज कोड फॉर इंफॉर्मेशन, या फिर डी अल्फाबेटिक स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन। इनमें से कौन सा राइट आंसर है आप कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग। आप लोगों को यहाँ पर 5 सेकंड दिए जाते, माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, ये इस क्वेश्चंस के ऑप्शन नहीं है, 12वें नंबर के क्वेश्चंस के ऑप्शन नहीं है, ये 22 नंबर का है। इसका जो ऑप्शन दिया गया ऊपर दिया गया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। चलिए आपको ऑप्शन दिखा देते हैं। यहाँ पर दिया गया है पहला, यहाँ पर ए नंबर पर दिया गया है प्लॉटर, बी नंबर पर दिया गया है प्रिंटर, और डी नंबर पर दिया गया है स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट टर्मिनल। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, प्लॉटर हुआ, प्रिंटर हुआ, MIC हुआ, स्मार्ट एंड इंटेलिजेंस टर्मिनल हुआ। इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? ये क्वेश्चन नंबर 12 है आप लोगों का। इसका 5 सेकंड आप लोगों को दिया जाता है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होता है वो होगा MICR। जी हाँ फ्रेंड्स, प्लॉटर के बारे में तो अभी हमने आपको अभी अभी बताया था पिछले कुछ क्वेश्चंस में कि प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, उसके बाद प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस होता ही है, साथ में स्मार्ट इंटेलिजेंस टर्मिनल जो होती है वो भी आउटपुट डिवाइस होती है। तो जो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर कि कौन सा आउटपुट डिवाइस यहाँ पर नहीं है, तो MICR है। ठीक, अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर का जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट माउस टेक्निक मेनली यूज इन विंडोज़। आप लोग जल्दी से इसका राइट आंसर क्वेश्चंस देकर बताइए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माउस टेक्निक मैनुअल यूज इन विंडो। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है लिफ्टिंग, ड्रैगिंग, डबल क्लिक या क्लिक, तो बताइए कैसे यूज किया जाता है माउस टेक्निकल मैनुअल यूज इन विंडो में, लिफ्टिंग करके, या फिर ड्रैगिंग करके, या फिर डबल क्लिकिंग करके, या क्लिकिंग करके? तो आप लोग जल्दी से बताइए। 13वें नंबर का आपका क्वेश्चन से ऑप्शन आप लोगों के सामने है, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइए।
फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा लिफ्टिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर यहाँ पर लिफ्टिंग होगा। लिफ्टिंग करके होता है, आप लोग देख पा रहे हैं इसका राइट आंसर लिफ्टिंग यहाँ पर दिया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 14 नंबर के क्वेश्चंस पर, और यहाँ पर दिया गया ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, डिस्क्राइब सबसे अच्छा डिस्क्राइब किया जाता है एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा, या फिर ए सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा, या फिर ए हार्डवेयर कंपोनेंट के द्वारा, या फिर एन ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है जैसे कि कंपाइलर हुआ और इंटरप्रेटर हुआ, ये सब क्या इज द बेस्ट डिस्क्राइब है, किसके द्वारा बेस्ट डिस्क्राइब किया जाता है। आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताइए। आप लोगों को 5 सेकेंड यहाँ पर दिए जाते हैं। तो हम आपको बता दें फ्रेंड्स, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर बी होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही ये आता है, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो यूटिलिटी प्रोग्राम होता है उसमें आप लोगों का कंपाइलर आता है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बी होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन पे। यहाँ पर पूछा गया है फ्लॉफी डिस्क इज ऑर्गेनाइज एज, तो जो एक फ्लॉफी डिस्क होती है वो ऑर्गेनाइज की जाती है ट्रैक से या सेक्टर से, या ट्रैक एंड सेक्टर दोनों से, या हेड एंड सेक्टर से। राइट आंसर दीजिए। फ्लॉफी डिस्क के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका पता होगा आंसर। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से कमेंट कीजिए। आप लोगों के लिए 5 सेकेंड यहाँ पर दिए जाते हैं। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ट्रैक एंड सेक्टर। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ट्रैक एंड सेक्टर होगा। आप लोगों के जो पिछला चैप्टर हमने पढ़ाया था वहीं से क्वेश्चंस में पूछ रहा हूँ, कहीं अलग से क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर नहीं आया हुआ हूँ। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है 16 नंबर का, कि ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्निक इज यूज, जो आप लोगों का ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्निक होता है यूज होता है फ्लॉफी डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, या मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव, या सीडी रोम ड्राइव। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से आप लोग चुनकर बताइए। और क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर जूम करके रखा है आप लोगों के स्क्रीन पर। आप लोगों को 5 सेकंड दिए जाते हैं कि ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्निक इज यूज्ड किस पर यूज किया जाता है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चंस नंबर 16 है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो हम आपको बता दें इसका राइट आंसर होगा सीडी रोम। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्निक यूज्ड सीडी रोम, इसका राइट आंसर होगा सीडी रोम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 17 नंबर के क्वेश्चंस पे। द एरर्स द कैन बी पॉइंटेड आउट बाई द कंपाइलर एयर, तो जो कंपाइलर के द्वारा द एरर्स कैन बी पॉइंटेड किया जाता है आउट बाई द कंपाइलर, क्या वो एरर्स होता है या सिंटैक्स एरर होता है, मतलब उसको क्या कहते हैं, सिंटैक्स एरर कहते हैं, सेमनेटिक एरर्स कहते हैं, या लॉजिकल एरर्स कहते हैं, नन ऑफ द ईज कहते हैं। हमने आपको पिछले ही चैप्टर में बताया था, जो आप लोगों को चैप्टर लेकर आया था वहीं पर बताया था। आप लोग जल्दी से गेस कीजिए ऑप्शन को, और जल्दी से कमेंट करके बताइए। 17 नंबर का आप लोगों का क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, आप जल्दी से पढ़कर इसका ऑप्शन दीजिए, आंसर दीजिए। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा सिंटैक्स एरर। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों को हमने वहाँ पर बताया, आप लोग फिर से जाकर उस चैप्टर को डाउनलोड करके पढ़िए। आप कंपाइलर में जाएंगे तो वहाँ पर बताया गया है कि कंपाइलर पहले पूरे प्रोग्राम को रीड करता है, और वहाँ पर कोई भी सिंटैक्स एरर पाने पर वो सूचित करता है यूजर्स को कि उसे आप ठीक कर लीजिए, और उसको ठीक करते ही वो क्या है, उसे कंपाइल कर देता है, यानी कि मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है हाई लेवल लैंग्वेज की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन को, और आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया गया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन सी इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि एक क्वेश्चन जो इस तरह से पूछे जाते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, जो आउटपुट डिवाइस यहां पर नहीं है, आप लोग देख पा रहे हैं, उसे आपको बताना है, या कि नहीं जो आउटपुट डिवाइस है उसे बताना है, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है, हम नॉट को नहीं देखते हैं और टिक करके चले जाते हैं। ऐसे हमने भी किया था अपने एग्ज़ाम में, मैं नॉट को नहीं देखता था और टिक कर देता, इससे हमारा 2-3 क्वेश्चंस गलत हो गए हैं, और आप लोगों को तो क्वेश्चंस गलत करने का चांस ही नहीं है, क्योंकि 60 में से आपको 50% राइट आंसर देने हैं, आपको 50% सही करना है, वरना आपको बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि 60 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे जिनमें से 50% यानी 50 अंक लेकर आपको हर हालत में आना है। तो आप लोग कोई भी क्वेश्चंस को गलत मत कीजिएगा, अच्छे से सोच लीजिएगा, विचार लीजिएगा, उसके बाद ही राइट आंसर दीजिएगा। तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, मॉनिटर, प्लॉटर, प्रिंटर, या डिजिटर। तो आप लोग बताइए इनमें से कौन सा राइट आंसर है, जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कीजिए ए बी सी डी कौन सा राइट है। तो हम आपको बता दें फ्रेंड्स, इसमें है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, तो इसका
राइट आंसर होगा डिजिटल। जी हाँ फ्रेंड, डिजिटल ये इनपुट डिवाइस होती है। मॉनिटर तो आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस, हमने आपको प्लॉटर दो बार आ चुका आपको बताया, प्रिंटर, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, तो बचा कौन, डिजिटल, तो डिजिटल ही इनपुट डिवाइस है। बस आप लोग ऑप्शन ही से देख लीजिएगा कि कौन बच रहा है, तो उससे सीधा पता चल जाता है कि डिजिटल ही है। अब बात करते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मल्टीमीडिया डिवाइस। 19 नंबर का क्वेश्चन से यहाँ पर हम लेकर आ चुके हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मल्टीमीडिया डिवाइस, कौन सी मल्टीमीडिया डिवाइस नहीं है यहाँ पर। टीवी सिस्टम ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी ए बुक हैविंग ओनली टेक्स्ट नो डायग्राम, या फिर ए मॉडर्न पर्सनल कंप्यूटर, या फिर नन ऑफ द दीज, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन आप लोगों का सही है, ए बी सी डी, जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपको 5 सेकंड यहाँ पर दिए जाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, कौन सा मल्टीमीडिया डिवाइस यहाँ पर नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। जी हाँ फ्रेंड्स, ए बुक हैविंग ओनली टेक्स्ट नो डायग्राम, तो जो एक बुक है वो एक मल्टीमीडिया नहीं है, क्योंकि मल्टीमीडिया आपका कैसे बनता है, मल्टीमीडिया आपका टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, ऑडियोस, म्यूजिक मिलकर मल्टीमीडिया आप लोगों का बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो मल्टीमीडिया के डिवाइस हो सकते हैं, टीवी हो सकता है, ए मॉडर्न पर्सनल कंप्यूटर हो सकता है, और नन ऑफ द दिस तो यहाँ पर होगा नहीं। तो फिर बचा कौन यहाँ पर, ए बुक हैविंग ओनली टेस्ट, यहाँ पर जो कि जिसके पास ओनली टेस्ट हो, केवल एक बुक हो, जिसके पास केवल टेस्ट हो ना कि डायग्राम हो, तो वो क्या हो गई, वो एक क्या है कि मल्टीमीडिया डिवाइस नहीं है। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का 20 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन फॉलो करता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, यूनिक्स है या विंडोज है या लाइनक्स है या नन ऑफ द दीज है, बताइए इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स है या विंडोज है या लाइनक्स है या नन ऑफ द दीज है। आप लोगों को 5 सेकंड दिए जाते हैं, ऑप्शन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका उत्तर बताइए। 20 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का, 20 नंबर के क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा सी, विंडोज। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर यहाँ पर, माफ कीजिएगा, बी होगा, बी, 20 नंबर का क्वेश्चन से बी होगा। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा जा रहा है, लाइनक्स। जी हाँ फ्रेंड्स, लाइनक्स, लाइनक्स जो होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज वगैरह तो क्या होता है, एप्लीकेशन हार्डवेयर के अंदर आते हैं, ठीक। लाइनक्स इसका राइट आंसर होगा। व्हिच आर द फॉलोइंग ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो लाइनक्स है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें फ्रेंड्स, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं, तो लाइनक्स को कहते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, एन ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR, अभी हमने आपको इसका फुल फॉर्म बताया था, इज ए स्कैनर, ए प्रिंटर, ए वीडियो कैमरा, ए CD राइटर। तो हमने आपको पिछले क्वेश्चन बताया था कि एन ऑप्टिकल मार्क रीडर जो OMR होता है, ये क्या होता है, ए स्कैनर होता है, एक स्कैनर होता है, या प्रिंटर होता है, या वीडियो कैमरा होता है, या CD राइटर होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आप लोगों के पास ऑप्शन दे दिए गए, ABCD कौन सा राइट है, क्वेश्चन स्क्रीन पर है और आप लोगों का ऑप्शन भी स्क्रीन पर है, तो आंसर कमेंट कीजिए। 5 सेकंड आप लोगों को दिए जाते हैं फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा स्कैनर। जी हाँ फ्रेंड्स, 21 नंबर के क्वेश्चंस का राइट आंसर होगा स्कैनर, एन ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR यानी स्कैनर। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग CVT एग्ज़ाम देते हैं, या फिर आप लोग जो कि आप लोगों ने पुलिस का एग्ज़ाम दिया होगा, जो OMR बेस पर होता है, जिसे हमको टिक करना होता है, गोला करना होता है, उसे OMR हम लोग कहते हैं, नहीं कि OMR बेस एग्ज़ाम है, OMR सीट पर एग्ज़ाम हुआ, तो OMR का मतलब वो ऑप्टिकल मार्क रीडर है, और वो जो कॉपी चेक होती है वो स्कैनर के माध्यम से स्कैन करके चेक होती है, OMR से ही चेक होती है, ठीक। तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। अब आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। यहां पर दिया गया है कि ASCII स्टैंड फॉर्स, यानी ASCII जो ये कोड होता है एक तरह का, ASCII ASCII, तो इसका जो फुल फॉर्म होगा, इसका क्या होगा फुल फॉर्म, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, या फिर यहाँ पर आप लोगों को जो दो ऑप्शन और दिए गए हैं, तीन ऑप्शन, अमेरिकन स्टैटिस्टिकल कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, या यहाँ पर अल्फाबेटिक सीरीज कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, या फिर यहाँ पर दिया गया है अल्फाबेटिक स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो जो लोगों ने कंप्यूटर को पहले से कुछ पढ़ा होगा, उनको आसानी हो जाएगी यहाँ पर। तो आप लोग जल्दी से राइट आंसर देके बताइए। 22 नंबर के क्वेश्चन पे पहुँच चुके हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोगों को 5 सेकंड यहाँ पर दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटर
चेंज ए इसका राइट आंसर है। चलिए अब आगे क्वेश्चंस बढ़ते हैं, 23 नंबर के क्वेश्चंस पर चलिए हम आपको लेकर आते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर 23 नंबर का क्वेश्चंस यहाँ पर दिया गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर, इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट हार्डवेयर, तो आप लोग नॉट को जरूर पढ़िएगा, इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोगों का क्वेश्चंस दिया गया है कि मैग्नेटिक टैप या वीडियो टर्मिनल या प्रिंटर या असेंबलर, इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। 30 नंबर का राइट क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आंसर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर। ऑप्शन है ए बी सी डी, जल्दी से आप कमेंट कीजिए। और ये क्वेश्चन नंबर 23 है, जी हाँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23 है, इसका राइट आंसर होगा डी असेंबलर। असेंबलर एक ट्रांसलेटर है, जी हाँ फ्रेंड्स, एक ट्रांसलेटर है, असेंबलर एक ट्रांसलेटर है, यानी जैसे कि कंपाइलर होता है उसी तरह असेंबलर होता है, जो कि असेंबली भाषा को ही ट्रांसलेट करता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर असेंबलर होगा। और हम आपको बता दें फ्रेंड्स, ये सारे के सारे हार्डवेयर डिवाइस है, प्रिंटर है, मैग्नेटिक टैब है, वीडियो टर्मिनल है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं 24 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन आंसर शीट कैन बी इवेल्यूटेटेड ऑटोमेटिकली बाई। अब आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ फिर से आपका जो एग्जामिनेशन होता है वो एवेल्यूटेटेड ऑटोमेटिकली बाई किसके द्वारा होता है, OMR के द्वारा होता है, EMICR के द्वारा होता है, OCR के द्वारा होता है, या स्कैनर के द्वारा होता है। आप लोग देख पा रहे हैं सारे के सारे यहाँ पर आपको दिए गए हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर और ऑप्टिकल कोड रीडर और EMICR और स्कैनर, इनमें से कौन सा राइट आंसर है। 24 नंबर के क्वेश्चन पर पहुँच चुके हैं आप लोग, ऑप्शन पर ABCD में से कौन सा है कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइए। आपको 5 सेकेंड यहाँ पर दिए जाते हैं फ्रेंड, इसका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आपको OMR बेस एग्ज़ाम होता है उसका जो एग्ज़ाम चेकिंग होती है वो OMR से ही लिया जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं फिर 24 नंबर क्वेश्चन ही थे आपके मल्टीपल चॉइस, और 24 के 24 क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं। अब यहाँ पर फिर से क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया गया है, जो कि है ये ओलेवल के सिलेबस बेस पे जो क्वेश्चन अब यहाँ पर ट्रू और फॉल्स आप लोगों को दिए गए हैं, तो ट्रू फॉल्स आपसे पूछे नहीं जाएंगे। फिलहाल आप लोग क्या कीजिएगा, एक्सरसाइज के लिए आप लोग इसको देख लीजिएगा, जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ट्रू फॉल्स जैसे कि प्रिंटर कैन बी क्लासिफाइड बाई द मोडिफाइड आर देयर प्रिंटिंग, ये ट्रू है या फॉल्स है। फिलहाल ट्रू फॉल्स आपके बीच में आएगा नहीं, ओ लेवल का हमने बुक से स्कैन किया था। और कुछ लोग फ्रेंड्स पूछ लेते थे कि आप लोग किस बुक से पढ़ते, आपने पढ़ाया है, तो मैं ओ लेवल से पढ़ाया हूँ। लेकिन फ्रेंड्स ये ओ लेवल का जो सिलेबस होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें केवल 24 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक, 24 या 25 क्वेश्चन होते हैं, और बाकी यहाँ पर फिर ट्रू फॉल्स आ जाता है, और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है, फिर मैचिंग फॉलोइंग आ जाती है, ठीक। तो आगे का आप लोग प्रेस्टिक कर लीजिए, आगे का हम यहाँ पर नहीं बता सकते हैं, आप लोग जरूर प्रेस्टिक कीजिएगा। और हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि होता क्या है कि जो आप लोग बुक लेना चाहते हो तो वो बुक आपके किसी काम की नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मोटी बुक है। और दूसरी बात फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि वहाँ पर मैं सिलेबस आप लोगों का निकाल निकाल कर वहाँ से स्कैन करके पेज वाइज हर एक पूरा सिलेबस नहीं दिया गया। जैसे अब विंडोज़ XP है तो हम लोगों को विंडोज़ XP पढ़ाया ही नहीं गया, ना कि उसमें विंडोज़ XP है, तो विंडोज़ XP हम आप लोगों के लिए अलग से लेकर आएंगे, किसी और बुक से लेकर आएंगे, हिंदी और इंग्लिश में लेकर आएंगे, पढ़ने के बाद हम आप लोगों को लेकर आएंगे। हम लोग विंडोज़ 7 पढ़े हैं, 10 पढ़े हैं, ST को नहीं पढ़ा है, MS Word जो होता है उसका पढ़ा है हमने, तो उसको लेकर आएंगे। तो यहाँ पर विंडोज़ XP हमारी बुक में नहीं मिलेगी, तो आप लोगों को बुक से कोई मतलब ही नहीं है, बुक लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक। कुछ लोग बुक के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसीलिए हम सोचे कि आपको बता दें, बुक टी वाला जिस सीरीज की होती है हिंदी इंग्लिश में दोनों मिलती है, लेकिन वहाँ पर आप लोगों के डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोई भी सिलेबस नहीं मिलेगा, क्योंकि डाटा एंट्री ऑपरेटर को स्पेशल कोई बुक बनाई ही नहीं गई है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने 24 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेकर आ चुके हैं, बाकी यहाँ पर आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू आर फॉल्स दिया गया है, उसके बाद आप लोगों का मैचिंग द फॉलोइंग दिया गया है, उसके बाद आप लोगों का फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, और लास्ट में आपकी आंसर शीट दी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी हमने क्वेश्चन पूछे थे इसके आंसर शीट आप लोगों को लास्ट में दी गई है, तो आपको ये PDF मिल जाएगा, आप लोग इस PDF को डाउनलोड करके प्रेस्टिक कर सकते हैं। और ये यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, ये सारे के सारे फिल करके आप लोग देख लीजिएगा, सभी का यहाँ पर आंसर दिया गया है। आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा कैसे फिल करना है, क्या यहाँ पर होगा, तो आपको यहाँ पर थोड़ा एक्सरसाइज हो जाएगी, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज हो जाएगा।
तो आई होप दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी, ये एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। अच्छे लगे हो तो कमेंट करके बताइएगा। फिर नेक्स्ट क्लास आप लोगों की विंडोज एक्सपी के ऊपर होगी, चैप्टर वाइज लेंगे, उसके बाद फिर से आप लोगों को इसी तरह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आएंगे। और हाँ फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने वो बुक को परचेज नहीं किया है तो बुक को परचेज कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में लिंक मिलेगा बुक का। जी हाँ फ्रेंड्स, वहाँ पर ढेर सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम के लिए, और आप लोग एग्जाम में जुड़ जाइए, बहुत ही कम समय है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक लिए बाय।